दरवाजे खुले गए और देखा दान पात्र नहीं और मूर्तियां लगी दी हाँ नथा लगी दोनों भी और टिका हा सब लगी गए बाद पांच बजे बाद फोन किया रस्ता तो सा अपना उसी फोन कद गलबी चपनी चाहिए उन्हें दिखा लेके नथा नथा नहीं होता उन्होंने भी किया फिंगर प्रिंट लैना हा वह भी दिखा उन्हें बोला दस्ताने पाए थे उन्हें और उसके बाद मतलब आया देखिए जी एक डेढ़ महीना पहले भी जहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूरी पे हमारी पंचायत की वार्ड नंबर 5 है जी आज जहाँ पे मंदिर की हुई एक डेढ़ महीना पहले वहाँ पे हुई थी तो सब लोगों ने पुलिस से कम्प्लेन भी की। आपको पता है कि जैसे कि हर दिन ये चोरियों की जो वारदात है हर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले चढ़वाल में हुई, चढ़वाल में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जिला इंतजामिया एसएसपी इस पे कड़ा एक्शन ले कर क्या रहे हैं, ये रात को नाका क्यों लगाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। जितने भी रोड कनेक्टिविटी एक दूसरे साइड लिंक जब जाते हैं कोई गाड़ी जिसपे कोई शक होता है पुलिस ने उसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। मेरे को पता ही नहीं चलता कि पुलिस कर क्या रही है। अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस सख्ती करे तो जितने भी ये चोर चक्के लोग हैं इन्हें शमशान से भी निकाल सकती है। अगर पुलिस सख्ती करे तो नशे की खेप दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जितने भी नशेड़ी लोग हैं नशे को बढ़ावा कौन दे रही है? अगर पुलिस सख्ती करे तो नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हम गांव के लोग थोड़ी यहां पे रक्षा करेंगे आके। गांव के लोगों ने भी अपने तौर पे जो जितना हो सकता है इतना कर रहे हैं। ये हमारे जहां पे मंदिर में चोरी हुई ये आर्मी से रिटायर है, रात को 1-1 बजे तक ये मंदिर में बैठे रहते हैं। तो पीछे से कोई कॉन्टेक्ट चला रहता है जिसकी वजह से ये चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि नशे की खेप इतनी ज्यादा हमारे इलाके में बढ़ रही है। पुलिस कर क्या रही है? एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? इन लोगों पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पुलिस को इन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जितने भी जहां पे वारदातें होनी चाहिए हम पुलिस को आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इलाके में हमारे एरिया में दोबारा ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा ना हो कि हमारे लोग रोडों पे उतर जाए। तो मेरी एक सरकार से भी दरखास्त है कि ये विलेज लेवल जो कमेटी जो बनाई गई थी जो बीडीसी पे लोग कुछ गांव में रखे गए हैं तो आज पुलिस उनसे थाना में काम ले रही है, पुलिस उनसे अपने अपने हेडक्वार्टरों में काम ले रही है। गांव में तो वो लोग छोड़े नहीं है, हमारे गांव में तो है नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी एक विलेज लेवल जो डिफेंस कमेटी है उनको रखा जाए और जिन गांव में है उनको गांव में ही गांव की देखरेख करने के लिए रखा जाए जिससे गांव की सेफ्टी और गांव के लोगों को नुकसान ना हो, सब लोगों का बचाव हो।